हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड गाइस अभी सुबह सुबह का टाइम है और भाई सब चारों तरफ से इतनी मस्त आवाजें आ रही है, एक बार आप सुनो भाई कितना मस्त लग रहा है। और भाई पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ सीजन कौन सा है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है या फिर कौन सा मौसम है। वैसे अभी हमारे यहाँ पर है बारिश का सीजन, लेकिन भाई मौसम इतना मस्त हो रखा है कि क्या ही बताऊं। जैसे अभी सुबह सुबह हमको सर्दी लग रही थी तो हमने आग जलाई, और जब गरम गरम खाना खा रहे हैं तो हमको गर्मी लग रही है। और चारों तरफ से मस्त ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। तो इस तरह से गाइस सारे मौसम एक साथ में मिक्स हो गए और इतना मस्त मौसम हो रखा है। तो फटाफट से खाना खाते हैं, और जब तक खाना खाते हैं मैं आपको हमारे बारे में कुछ बता देता हूँ। सो गाइस हम हैं अजाबे जनजाति के लोग, और विश्व में केवल एक ही ऐसी जनजाति है जो आज भी पूरी तरह से जंगलों और शिकार पर डिपेंड करती है। यानी कि सभी जनजातियाँ धीरे धीरे या तो शहरों में आ गई है या फिर गांवों में, केवल हमारी जनजाति ही ऐसी है जो अभी तक न तो शहरों की तरफ गई है और न ही कोई गाँव की तरफ। हमारी भाषा हजाने कहलाती है, जिसको केवल हजाबे जनजाति के लोग ही समझ सकते हैं। और हमारी संख्या लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि हमारे घर यानी कि जंगलों को सरकार लगातार काट रही है। आज के 2 साल पहले हमारी संख्या 4 से 5 हजार तक होती थी, पर बात करें अभी की तो अभी हमारी संख्या 400-500 ही रह गई है। इसका केवल एक ही कारण है कि सरकार जंगलों को लगातार काट रही है, और हमारा जीवन तो पूरी तरह से जंगलों पर ही डिपेंड है। तो अगर जंगल ही काट दिए जाएंगे तो हमारा क्या होगा। इसी वजह से न तो हमको शिकार मिलता है और न ही रहने के लिए घर। और ये संख्या आने वाले 2-3 सालों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और इससे पहले कि हमारी संख्या यानी कि हमारी जनजाति पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और हमको भी ज़बरदस्ती शहरों में शिफ्ट होना पड़े। ये सब होने से पहले मैं ये ब्लॉग्स और वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आने वाली पॉपुलेशन को ये पता चलेगा कि हजाबे जनजाति भी यहाँ पर रहती थी, उनकी लैंग्वेज यानी कि हजाने लैंग्वेज किस तरीके से थी और वो किस तरीके से अपने जीवन को चलाते थे। So guys, अभी सुबह के 7 बजे है। एंड गाइस अभी जो धूप है ना भाई साहब गजब, और जैसे ही हमारे टच हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब आहा। मुझे पता है कि आप लोग ये फील लेने के लिए जंगल में तो नहीं आ सकते, लेकिन एक बार आंख बंद करो और सोचो कि भाई चारों तरफ जंगल हो और थोड़ी थोड़ी धूप और ठंडी सी ऑक्सीजन हो और सर्दी उड़ाने के लिए सुबह सुबह का सूरज हो, तो भाई क्या ही फील आएगी फिर। तो गाइस हमारा ध्यान तो नाश्ते की तरफ था और हम लोग तो इधर बातें कर रहे थे, तभी भाई इस बंदे ने किया इस बिल्ली का शिकार। पर हमारा ध्यान नहीं गया क्योंकि हम लोग तो इधर मस्त बातें कर रहे थे और मौसम भी इतना मस्त हो रखा है कि हमने शिकार पर ध्यान नहीं दिया। भाई साहब सुबह सुबह ही शिकार मिल गया,
तो गाइस हमने एक हिरण का बच्चा पकड़ा है और इस तरीके से पकड़ा है कि मैं उसको यूट्यूब पर नहीं दिखा सकता। और अभी हमारे पास हो गए दो दो शिकार, एक तो बिल्ली और एक हिरण का बच्चा। तो अभी इनको लेकर के घर पे चलते हैं। तो सबसे पहले इसको लटकाते हैं लकड़ी के, उसके लिए पहले इसके पैर बांध देते हैं। सो गाइस लकड़ी के बांध करके इसको लटका लिया है। एंड गाइस अभी निकल गए हम लोग घर के लिए। और भाई अभी आप सोच रहे होंगे कि शिकार तो इल्लीगल है, लेकिन गाइस अभी हम लोग जनजाति में रहते हैं और यहाँ पर अभी कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि शिकार इल्लीगल है। एक बार अगर हम लोग गांव में चले गए या फिर शहरों में शिफ्ट हो जाते तो हमारे लिए शिकार इल्लीगल हो जाएगा। फिलहाल तो हम लोग जनजाति में रहते हैं और यहाँ पर कोई भी शिकार इल्लीगल नहीं है। सो गाइज फाइनली हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। एंड गाइज फटाफट से आग जलाते हैं, लेकिन उससे पहले लकड़ियाँ ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि भाई साहब बारिश का सीज़न है और सारी लकड़ियाँ गीली हो रखी है। तो गाइज हमने आग जला के बिल्ली को उसके ऊपर रख दिया है। एंड गाइज अभी इसको फटाफट से खाते हैं और इस व्लॉग के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। First of March, it's clear to me, there's something that's uncomforting. Your body is away with me, but I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. I know your voice, I know your face. This is something I cannot replace. Give me hope and give me doubt. Well, I loved you then, but I don't love you now. I'm a long way from home. So we're a long way from home.